तनीषा नहीं आ रही है अपनी हरकतों से बाज। आखिर तनीषा की चालों को कैसे नाकामयाब करेगी फालतू? तनीषा चाहती है फालतू की जान लेना। इन दिनों टीवी सीरियल फालतू में काफी कुछ दिखाया जा रहा है। एक तरफ जहां फालतू अपनी जिंदगी के नए मुकामों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है, वहीं तनीषा उसे पीछे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। फालतू मेकअप रूम में रहती है, तभी वहां पर तनीषा आती है और उसे कहती है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज रात तुम फालतू हो लेकिन कल से तुम एक बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी, सारे न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। वो फालतू से अपनी सारी बातों के लिए माफ़ी मांगती है, लेकिन इसके पीछे तनीषा की कोई नई चाल छुपी हुई है। वो जाते जाते फालतू की ड्रेस पर परफ्यूम लगा देती है ताकि फालतू के ड्रेस में आग लग जाए। अब तनीषा के इन चालों को कैसे फालतू और आयान नाकामयाब करते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वाओ, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। वील की चॉइस काफी अच्छी है। आई मीन, किसने सोचा था कि तुम एक नेशनल ब्रांड की शू स्टॉपर बन जाओगी? फालतू, तुम सिर्फ आज रात के लिए फालतू, कल से तो तुम सेलिब्रिटी बन जाओगी, न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में तुम्हारे फोटोज होंगे। मैं सच कहूं तो मेरी पर्सनली तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सच में तुम्हें और आयान को एक साथ देखना चाहती हूँ। हालात ही कुछ ऐसे हो गए, और तुम तो जानती हो ना कि आयान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे तो उसके साथ ही खड़ा होना था। अगर इस चक्कर में मैंने तुमसे अगर कुछ भी गलत कहा हो तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। फालतू, मुझे जेन्युइनली यही लगता है कि तुम दोनों एक साथ कभी खुश नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को दुख के अलावा और कुछ दे ही नहीं सकते, इसलिए तुम दोनों का दूर हो जाना ही। अब तो मुझे ही देख लो, मेरे और आयान के रास्ते के बीच में तो तुम आई थी ना, और हम अलग हो गए ना, और अब मैं सिर्फ के साथ अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। वैसे ही तुम भी आयान के साथ दूर रहकर बहुत खुश रहोगे, ट्रस्ट मी। आई विश द बेस्ट फॉर यू। जैसे मैं आयान का बुरा नहीं चाहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारा भी बुरा चाहती हूँ। All the best, तुम्हारी नई जिंदगी के लिए। किसने सोचा था कि इत्तरपुर से निकलकर क्रिकेट खेलते हुए तुम मॉडलिंग रैंक तक पहुंच जाओगी? वैसे फालतू, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब तारा हो गया हो तो जाओ, मैं यहाँ से बात को तैयार हूँ। जा रही हूँ। वैसे आयान भी तुमसे मिलना चाह रहा था, पर तुम रेडी हो रही थी तो ये सोच कर नहीं आया कि तुम उसे देखकर नर्वस हो जाओगी। तुम्हारा ये मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था। ऑल द बेस्ट। आज सब भी आ गए था ना, कि सोचेंगे हमारे को रैंप पे चलते हुए देख के। ऐने तो उन्हें खुद भी ना कुछ बताया, माता रानी आज सबको संभाल लेना, सब अच्छे से हो जाए। छोटे बच्चे होकर डरा दिया हमारे को। मैं छोटा बच्चा हूं, तुम छोटी बच्ची हो, एक नंबर की डरपोक हो भी। क्यों हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? दादा मेकअप हो गया ना, मैं कह रही थी कम करो, कोई मारी ना सुनता। अभी कम कर, सारा मेकअप हटा दो, सारा मेकअप हटा दो।
अच्छी लगी। हमारा मजाक बना रहे हो ना? हाँ सही कह रहे हो, अभी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, बाहर जाके अपना बनाओ। तारीफ हजम नहीं होती ना तुम्हें? हाँ नहीं होती, थारे मुझसे तो बिल्कुल भी। 5 मिनट तुम्हारे पास, जल्दी एटीएम के बाहर आओ। चल जाओ। वेल टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टैली के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।